अमेरिका वज़ीर-ए-आज़म के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के बयान को सपोर्ट करता है। इनका हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से बयान भी खुशाइंद है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एज़ वेल्स की अमरीकी सफारतखाने में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रिकॉर्ड है वो माने हैं कि पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है तालिबान को टेबल पे लाने में। अब एक हद से बढ़ के ये ख्याल करना अफगान तालिबान है वो बिल्कुल हुक्म मान जाएंगे, ये को मुझे ऐसी बात नजर नहीं आ रही, लेकिन लग रहा है कि प्रोग्रेस है। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान ने तालिबान को मेज पर लाने में अहम किरदार अदा किया। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में खुर्शीद कसूरी की गुफ्तगू। अफरा सयाफ खटक बोले, बातचीत आगे बढ़ी है लेकिन पेचीदगी है। अमरीकनों ने थोड़ा सा तवाज़ुन को ठीक तरह से संभाला नहीं है, यानी ये उनसे पहले मनवाना कि आप सबसे बात करेंगे तो तब हम आपसे बात करेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा, तो इस वजह से थोड़ी सी अभी पेचीदगी सी पैदा हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बातचीत आगे भी बढ़ी है। जो पाकिस्तान मदद कर सकता है पाकिस्तान कर रहा है, नेकियत से कर रहा है। अफगान मुफाहमती अमल के लिए दोनों ममालिक के बड़ों ने इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए। ट्रैक टू डायलॉग फोरम से वजीर खारजा का खिताब। शाह महमूद बोले, पाकिस्तान ने अमरीका और अफगान तालिबान बराह रास्त मुजाकरात में मुआवनत की, ऐसा कौन सा अफगान लीडर है जिसने पाकिस्तान में गुजर बसर ना किया हो। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आला सतह का इजलास, मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमती इकदामात का जायजा। इजलास में मजदूर का एहसास, प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म कल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। इमरान खान कहते हैं, कमजोर तबकों, मजदूरों, बशमूल घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स के हुकूक का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हैं तल्ख बहुत, बंदे मजदूर के औकात बहुत। कल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जाएगा। रात दिन मेहनत मजदूरी करता पाकिस्तानी मजदूर मुफलिसी में कमर तोड़ महंगाई का शिकवा कर रहा है। आगरा की तरफ से जो समरी आई थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अवाम की मुश्किलात और तकलीफ का एहसास करते हुए इसको जो है वो ECC को रेफर किया और उन्होंने कहा कि आप इसको दोबारा देखें। कप्तान ने अवाम को ओगरा के बाढ़ से बचा लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मौखर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा की समरी इक्तिसादी राबता कमेटी को भेज दी नजरसानी की हिदायत। अवाम को रमजान में रिलीफ पैकेज भी दिया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए इत्तला ने इत्तला दे दी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए खुसूसी कमेटी भी बनाई जाएगी। रमजान पैकेज के लिए कमेटी बनी कि रमजान में कोई ऐसा इनिशिएटिव पब्लिक को दिया जाए जिससे उन पे बोझ कम हो। रमजान के औकात कार में ये फैसला किया है, ऑफिशियल वर्क जो है उसको 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया जाए। अच्छी खबर के बाद आवाम के लिए बुरी खबर। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ओगरा ने LPG सिलेंडर की कीमत में मजीद 17 रुपए इजाफा कर दिया। LPG सिलेंडर की नई कीमत 1580 रुपए मुकरर, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली में नए बल्दियाती निजाम के कानून का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का ऐबान से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी अरकान ने नए बल्दियाती बिल के खिलाफ वोट दिया। 2 in favor से आईज, 2 against से नो। आई थिंक आईज हैव इट क्लॉजेस 7 to 23 डू स्टैंड पार्ट ऑफ द बिल। पंजाब असेंबली में स्पीकर का कवानीन से खिलवाड़। बिल की मंजूरी में सब कर दिया पामाल। शिकें एक तरफा तौर पर मंजूर करते रहे। ऑपोजिशन के इनकार की जानिब देखना भी गवारा ना किया। इस बिल के आने के बाद इस पंजाब में बड़ी वाज़े तब्दीली आप लोगों को नजर आएगी। जो नाली गली का कहते थे कि MPA ने बनानी है, वो उनकी ड्यूटी होगी, उन्होंने बनानी है। मेरे कायद का मुझ पर एतमाद है और ये जो खड़े हैं पंजाब असेंबली के अराकीन का मुझ पर एतमाद है, मुझे हटाया नहीं जा सकता।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि नए बल्दियाती निज़ाम में नाली और गली बनाना बल्दियाती नुमाइंदों का काम होगा। इस बिल से पंजाब में वाज़ह तब्दीली नजर आएगी। उस्मान बुज़दार ने अपने जाने की खबरों की भी तरदीद की। बोले, जब तक इमरान खान और मेंबरान पंजाब असेंबली का एतमाद होगा वो कहीं नहीं जाएंगे। आप कमेटी में भेजे, वहाँ डिस्कशन करा दे। मतलब है कि वन पर्सन कांट डिसाइड कि वेदर इट इज इस्लामिक और अन इस्लामिक। कमेटी में भेजे, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। कौमी असेंबली में कम उम्र शादी का बिल पर वफाकी वज़ीरा आमने सामने आ गए। वज़ीर मज़हबी उमूर ने बिल को इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाने का मुतालबा किया, जिस पर शीरी मजारी भड़क उठी। कहा, जामतुल अजहर ने इस हवाले से फतवा दिया था तो इसे इस्लाम के खिलाफ समझा जाए। राय शुमारी के बाद बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। सिंध के शहर लारकाना पर एड्स का आसेब सवार, नाकिस ब्लड, गैर मयारी सिरिंज या अताई डॉक्टर जिम्मेदार। 22 बच्चों समेत 58 से ज्यादा अफराद एड्स का शिकार। कम उम्र बच्चों को एड्स कैसे लग गया? महकमा सेहत परेशान। गफलत पर सरकारी डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर मुजफ्फर खुद भी HIV में मुब्तला हैं। इंतजामिया का इल्जाम। जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो बेसिकली सरकारी डॉक्टर है, बंगलदेरों में पोस्टेड था, बंगलदेरों RSC में, और प्राइवेट क्लिनिक उसका रतोदेरों में, जहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक अपनी प्रैक्टिस करता है। लेकिन उसका जो क्लिनिक है वो भी अनहाइजेनिक था। क्लिनिक के अंदर जो प्रैक्टिसेस थी वो भी मेल प्रैक्टिसेस में आती हैं, और उसके जो अपने जो डॉक्यूमेंट्स इन हेल्थ केयर कमीशन ने चेक किए वो भी जस्टिफाइड नहीं थे। सारे पेशेंट सर मेरी क्लिनिक से, मेरी वजह से हुए। खुद मुझे HIV पॉजिटिव हुआ है। ये किस वजह से, ये कहाँ से वायरस आया मेरे पास? मेरे को डॉक्टर, अगर मुझे पता होता तो मैं कहाँ इनसे इलाज करवाता। मुझे तो पता ही नहीं है, ना कोई सिम्टम है, ना कोई साइन है। मैं तो नॉर्मल वैसे बैठा हूँ। फिर तो मेरी टेस्ट पॉजिटिव आई, मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी टेस्ट कहाँ से आई, मुझे कहाँ से वायरस लगा। कसूरवार डॉक्टर या इंतजामिया ने फुर्ती दिखाई? सरकारी डॉक्टर ने इंतजामिया के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, हेल्थ केयर कमीशन के अफसरान अपनी गफलत छुपाने के लिए मलबा डाल रहे हैं। अगर मुझे एड्स का पता होता तो क्या मैं अपना इलाज ना कराता? सिंध ही नहीं बलूचिस्तान में भी सेहत की सहूलियात का फुकदान। बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ना स्ट्रेचर है ना व्हीलचेयर, मरीज रुलने लगे। खातून अपनी बीमार मां को चादर से घसीट कर इमरजेंसी तक लाई। KBK में भी सेहत की संगीन सूरत हाल। मसीहाओं ने हड़ताल कर दी। खैबर टीचिंग, हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, कार्डिक और किडनी अस्पताल में सर्विसेज बंद। एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में OPD पर ताले। सोआबी के मरीज गलत इंजेक्शन से नहत। कराची के मकामी अदालत ने अताई डॉक्टर अदनान को जेल भेज दिया। अदालत में नूर सबा की मां फट पड़ी। पुलिस पर मुजमान को प्रोटोकॉल देने का इल्जाम। बताया, डॉक्टर अदनान के खानदान वाले सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। बच्ची की मां ने सवाल किया, मुजिम ने जिस डॉक्टर से जाली डिग्री बनवाने का एतराफ किया, पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। लीगल एंड जस्टिस अथॉरिटी कायम का फैसला कर लिया गया। दीवानी मुकदमात का फैसला 1.5 से 2 साल में होगा, जबकि जायदाद में खवातीन के हक को भी यकीनी बनाया जाएगा। तालीमी इदारों में असातिज़ा के तशद्दुद के खिलाफ भी कानून साजी होगी। मोहम्मद डैम की तामीर शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 मई को संगे बुनियाद रखेंगे। PTM नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। पाकिस्तान के गद्दारों और पाकिस्तान के कौमी मफाद को दाव पे लगाने वालों के बारे में, वो हुकूमत हो या फौजे पाकिस्तान हो, हम सब एक पेज पे हैं। हुकूमत हो या फौजे पाकिस्तान, सब एक पेज पर हैं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिक अबान की मीडिया ब्रीफिंग का पाकिस्तान के गद्दारों के लिए जीरो टॉलरेंस है। अपने वजीर को 8 महीने के अंदर वो नाकाम हो गया, तो इससे बड़ा सबूत क्या है खुद इनकी नाकामी का? ये मैशियत बचेगी, पाकिस्तान बचेगा। अगर मैशियत को नुकसान हुआ, ये भूख और चीखें निकली लोगों की, तो लोग रास्तों में होंगे, उसका फायदा हमारा दुश्मन लेगा।
हुकूमती नाकामियों के बावजूद फौज को इस तरह सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा लगता है इमरान खान को सिर्फ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का रद्द अमल, बोले फौज बदाखलत से गुरेज करे, इस तरह इदारे मुतनाजा बनते हैं। इमरान खान की हुकूमत ने 70 साल तारीख में सबसे बड़ा कर्ज लिया, आज महंगाई से लोगों की चीखें निकल गईं, बजट में और निकलेंगी। चीन और आईएमएफ से कर्ज की शरायत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। आपने आज पाकिस्तानी कौम की कमर तोड़ दी है इमरान नियाजी, ये झूठा खान है, इसका काम है दिन रात झूठ बोलना। वज़ीर आज़म कहते हैं जो यू टर्न नहीं लेता वो लीडर नहीं हुआ, ऐसे लोगों से कौन क्या खायर की तो करे। अपोजिशन लीडर जाब असेंबली हमजा शहबाज बरस पड़े, बोले झूठ से अवाम का पेट नहीं भरता। एक तासुर इससे ये उभर रहे गालिबन शायद कि क्योंकि बहुत ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के रवैये के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे तो शायद ये कमजोर अपोजिशन है गालिबन, इससे अगर कोई तासुर उभरता है तो शायद उभरता हो। नून लीग और क़यादत को मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना है, हम मुज़ाहमती सियासत नहीं करेंगे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नबील कबूल कहते हैं बिलावल भुट्टो किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। नवाज शरीफ जल्द लंदन चले जाएंगे। उमर सरफराज चीमा ने कहा ऑपोजिशन जमातें नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आर्मी चीफ का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा, आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी को कमांडर फ्रंटियर फोर्स के एजाजी बैच भी लगाए। खिलाड़ी सूबा हजारा बनाने के लिए पुरस्कृत, इंतजामी बुनियादों पर सूबा हजारा बनाने के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश, बिल पीटीआई रहनुमा अली खान जदौन ने पेश किया, बिल कायमा कमेटी बराए कानून को भेज दिया गया। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा में ही खाक में मिलाया जाने लगा, टिम्बर माफिया सरगर्म, गलियात और ठनियानी में सरेआम कीमती दरख्त काटे जाने लगे, रोजाना हजारों फिट लकड़ी स्मगल की जा रही है, इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध में गंदम की फसल कट गई लेकिन सरकार गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं, काश्तकार सस्ते दामों मंडियों में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। चंद रोज पहले नैब ने महकमा खुराक के गोदामों पर छापा मारकर लाखों बोरी गंदम के गायब होने का इंकशाफ किया था। कब तक आप कराची वालों के सामने ये मगरमच्छ के आंसू बहाते रहेंगे? आपको बड़ा पैसा मिला है, 39 अरब रुपए में तो आप कराची का हुलिया तब्दील कर सकते थे, क्या किया आपने? मैं कहता हूँ 40 किया, इनको 400 अरब दे दो यही होगा, क्योंकि इनका मकसद आवाम के मसाइल हल करना नहीं है। तो यार आप अपना काम कर नहीं पाते हो और दूसरों के ऊपर आप बुरा भला कहते हो। कराची की सियासत पर पीपल्स पार्टी और MQM फिर आमने सामने, मुशीर इतला सिंध मुर्तजा बहाब ने पैसों का हिसाब किताब मांगा तो मेयर कराची ने पुराने खाते खोल दिए, कहा आपने सिर्फ ठेके बांटे, हम शहर के लिए 25 अरब का पैकेज विफाक से लाए थे। नवाज शरीफ को जमानत में तौसी का रिलीफ मिलेगा या फिर जेल मुकद्दर होगी? सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी 3 रुकनी बेंच 3 मई को समाप्त करेगा। नाअहल साबिक वजीर आजम की 6 हफ्तों की जमानत 7 मई को खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ ने 26 मार्च को जमानत में तौसी की दरख्वास्त की थी। चौधरी बिरादरान की एक और मुश्किल आसान, लाहौर की एहतसाब अदालत ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया। दोनों भाइयों के खिलाफ 28 की फरोख्त के हवाले से इंक्वायरी चल रही थी। नैब सिंध का आगा सिराज और कामरान माइकल के खिलाफ कदम, मुकदमात के लिए चेयरमैन नैब को सिफारिशात भेज दी। कौमी फिजाई कंपनी का तैयारा गैर कानूनी तौर पर ग्राउंड किया, KPT सोसाइटी के प्लॉट्स फरोख्त किए, कामरान माइकल पर इल्जामात, स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात हो रही है। कराची में नैब की बड़ी कार्रवाई, शर्जील मेमन का सहूलतकार गिरफ्तार, 9 मई तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया।
मुलजिम इजहार हुसैन साबिक सूबाई वजीर के असासों का निगरान है। जायदाद की मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज भी बरामद हुई, नैब का दावा। पूरा सिंध रोशन हो गया, सूरज ढलते ही चमक जाता है। रोशन सिंध करप्शन केस में हाईकोर्ट का तंज, मंसूबे के मुताबिक सोलर लाइट्स लगा दी गई हैं। आप चाहें तो इंक्वायरी करा लें, वकील का बयान। तहकीकात कराई तो आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी, चीफ जस्टिस अहमद अली का जवाब। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को 7 मई के लिए नोटिस जारी। साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान की अहलिया और बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में तारिक फजल चौधरी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। साबिक वफाकी वजीर की गाड़ी को गोजरा के करीब हादसा पेश आया था। सानहे साहिवाल के मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जुडिशियल कमीशन बनाने की दरखास्त दे दी। CTD ने जाय वकूअ के शवाहिद जाय कर दिए। JIT पर एतमाद नहीं किया जा सकता, दरखास्त का मतलब। करमशाह कत्ल केस का मरकजी मुलजिम हिदायतुल्ला वसान खैरपुर में कच्चे के इलाके से गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम को रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम के दीगर साथी पहले ही गिरफ्तार हैं। पंजाब हुकूमत ने ढडोरचा डैम की तामीर से मुतहरिया टाउन की पेशकश मुस्तरद कर दी। पंजाब सरकार ढडोरचा डैम खुद तैयार करेगी। सेक्रेटरी आपाशी कहते हैं दिसंबर 2021 तक डैम तामीर हो जाएगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर केस निपटा दिया। काम पर देर से क्यों आए, जहलम में मालिक ने वर्कर को कत्ल कर दिया। फैसल ने मुलाजिम शहजाद पर बुक दे के वार किए, दुकान मालिक फरार हो गया, तलाश जारी। वाकया सब्जी मंडी में चिकन शॉप पर पेश आया। लाहौर में पसंद की शादी करने पर ससुर ने दामाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाकया कहना के इलाके में पेश आया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम की तलाश जारी। झगड़ा निपटाने आए थे, तसादुम हो गया। मुल्तान की अदालत में दो गिरोह लड़ पड़े, एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे और लाते बरसा दी। पुलिस का फौरी एक्शन, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात यूनिवर्सिटी में तलबा मामूली तल्ख कलामी पर लड़ पड़े, कैंटीन में धींगा मुश्ती की, एक दूसरे को कुर्सियां और जग मारते रहे। यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी स्टाफ तमाशा देखता रहा। सूरज सवा नेजे पर आ गया, शहरी गर्मी से बिल बिला उठे। कराची में दर्जे हरारत 40 डिग्री से भी तजावज कर गया। 3 मई तक समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी, हीट स्ट्रोक का खदशा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आवाम को एहतियाती तदाबीर हिदायत।